Prime Minister Narendra Modi on Tuesday virtually dedicated the permanent campus of the Indian Institute of Technology in Bhilai from Jammu. The campus of the institute is constructed on a 400-acre land. MP Vijay Baghel, MLAs Doman Lal Korsewada and Lalit Chandrakar, former ministers Prem Prakash Pandey and Ram Sheela Sahu, chairman of the Board of Governors of Bhilai IIT, were present at the occasion. Meanwhile, Chief Minister Vishnu Deosai, while addressing the program, said it was a day of pride for the state and congratulated IIT Bhilai on getting a well-equipped permanent campus. पूरे देश के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 31,000 करोड़ से ज्यादा का सेवा दिया है, जिसमें हमारा छत्तीसगढ़ भी सौभाग्यशाली है। आज उन्होंने IIT भिलाई राष्ट्र को समर्पित किया है, तो इसके लिए हमारा छत्तीसगढ़ उनका बहुत आभारी है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और अब IIT भिलाई राष्ट्र को समर्पित होने के बाद यहाँ जो भी हमारे बच्चे हैं जो यहाँ पर अध्ययन का कार्य कर रहे हैं, शोध का कार्य कर रहे हैं, उनको एक अच्छा परिसर मिला है, तो निश्चित रूप से उनको पढ़ाई में भी और उत्साह आएगा। पूरे मनोबल के साथ वो पढ़ाई करेंगे और जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी की परिकल्पना है 2047 तक विकसित भारत और विकसित छत्तीसगढ़ भी हम लोग को करना पड़ेगा और उसमें IIT भिलाई का भी बहुत बड़ा योगदान होगा। और आज ये जो IIT परिसर समर्पित हुआ है ये हमारे बच्चों के अच्छा वातावरण देगा। सौभाग्य है हमारे लोकसभा में हमारे दुर्ग जिले में IIT की सौगात 2016 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया और जिसका शिलान्यास भी भूमि पूजन माननीय प्रधानमंत्री जी के करकलमों में जब हमारी भाजपा की सरकार थी, यहाँ डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे, उस समय 2018 में इसकी शुरुआत की गई, भूमि पूजन करके भवन के निर्माण की। और आज हम सब 2024 फरवरी को इस ऐतिहासिक दिन में माननीय प्रधानमंत्री जी ने वर्चुअल इस भवन का लोकार्पण किया और आज हम सब उस अवसर पर उपस्थित हुए। ये हमारी भिलाई के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए एक मान है, सम्मान है, अभिमान है कि हमारे यहाँ के बच्चे जो दूर दराज उच्च शिक्षा की पढ़ाई के लिए जाया करते थे उनको आज यही सुविधा मिली है। और इस कैंपस में IIT में न जाने कितने प्रदेशों के लोग आज लड़के आकर पढ़ रहे हैं और आगे चलकर इसमें और इजाफा होगा और उसके लिए हम सब सदा लगे रहेंगे। माननीय प्रेम प्रकाश पांडे जी के उच्च शिक्षा मंत्री रहते हुए इसकी शुरुआत हुई, पूर्व मुख्यमंत्री ने और वर्तमान प्रधानमंत्री जी ने चलो शिलान्यास किया था और आज वर्तमान मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी यहाँ हमारे बीच आकर इस लोकार्पण अवसर में वो सहभागी बने, उसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से स्वागत। खुद कई कांग्रेसी अपने पार्टी से हताश है, निराश है, परेशान है, वो खुद संपर्क कर रहे हैं। आप देखेंगे हमारे दुर्ग में भी बहुतायत संख्या में, सैकड़ों की संख्या में इस दुर्ग लोकसभा में कांग्रेस के लोग जो आज अपनी पार्टी से, अपने नेताओं से हताश, परेशान, निराश है, वो लोग भी हमसे संपर्क बनाए हुए हैं और बहुत जल्द उनका भी प्रवेश भारतीय जनता पार्टी।